यह कहानी एक गरीब अनाथ शीतल लड़की की है। जब शीतल 6 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वह 6 साल की मासूम बच्ची अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचा करती थी, लेकिन फूल बेचना वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी ताकि वह पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, लेकिन फूल बेचकर उसे ज्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। 2 समय का खाना मिल जाए वह शीतल के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे ही एक दिन शीतल के पास एक औरत फूल खरीदने आती है। अरे बेटा, तुम्हारे फूल तो बड़े ताजे ताजे हैं, बहुत खुशबू आ रही है, ये हेलो 50 रुपए की दे दो। बेटा, यह किताबें किसकी रखी हैं? वो आंटी जी, यह किताबें मेरी हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। गरीब हूँ, ऊपर से अनाथ भी हूँ, स्कूल नहीं जा सकती, इसलिए अपना शौक ऐसे ही पूरा कर रही हूँ, वरना तो मेरा भी स्कूल जाने का बहुत दिल चाहता है। अरे बेटा, तुम्हारी यह बातें सुनकर मेरी तो आंखें ही नम हो गईं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम, इतना झुकाव देखकर मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के यहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करती हूँ। अगर मैं उनसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी तो तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। और हाँ बेटा, आज के बाद तुम अपने आप को कभी अनाथ नहीं कहोगी, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। सावित्री का अपने प्रति इतना प्यार देकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री शीतल के आंसू साफ करती है और उसे अपने साथ अपने छोटे से घर में ले जाती है और अगले दिन वह काम करने जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मैम साहब, यह शीतल है, बेचारी अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने इसे अपना नाम दिया है, आज से ये मेरी बेटी है। और आपको पता है मैम साहब, ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, आज तक स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद ही पढ़ाई कर काफी होशियार हो गई। अगर आप साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिला देती तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सावित्री, तुम हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरी करूँगी, शीतल का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। शीतल यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अब वो भी स्कूल जाएगी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी, स्कूल बैग टांगेगी और पढ़ने जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, स्कूल में एक सीट खाली होती है। पहले शीतल का टेस्ट होता है तो वह टेस्ट में पास हो जाती है और उसका इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। शीतल बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ती थी रचना, वह शीतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि शीतल पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, हमेशा वह सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी और रचना सेकंड। शीतल की वजह से रचना को अपनी सेकंड पोजीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब से इस अनाथ लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है, पहले तो मैं ही फर्स्ट आया करती थी, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई था ही नहीं, लेकिन अब ये शीतल की बच्ची अनाथ, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मैं सेकंड पोजीशन, और वह गरीब अनाथ फर्स्ट पोजीशन, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से रचना अंदर ही अंदर शीतल से बहुत ही ज्यादा जलने लगती है और कोई मौका नहीं छोड़ती उसे नीचा दिखाने का, उसके ऊपर हंसने का। और रचना क्लास में भी किसी को शीतल का दोस्त नहीं बनने देती थी, शीतल अकेले ही लंच करती थी और लंच टाइम में अकेले ही बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन शीतल लंच कर रही थी तभी रचना अपने दोस्तों के साथ आकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। देखो तो दोस्तों, यह गरीब अनाथ हमारे यहाँ पर जो काम वाली बाई है उन्हें कहीं रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, पापा के पैरों में गिड़गिड़ाई, उनके हाथ जोड़े, तब जाकर तो इसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है, वरना तो यह अनाथ पहले की तरह फूल बेच रही होती, ताजे ताजे फूल ले लो फूल, जैसे पहले बेचा करती थी। वो तो पापा को दया आ गई जो इस अनाथ का हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया। रचना, मैं तुम्हारे पापा की आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया, लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो चाहकर भी तुम्हारे पापा मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं करते, इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी मेहनत से आई हूँ।
इस अनाथ स्टूडेंट की तो मुझे हैकड़ी निकालनी ही होगी। देखो तो गरीब अनाथ मुझे कैसे जवाब देकर गई है, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। देख लेना मैं भी रचना हूँ रचना, तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। ऐसे ही समय का पहिया घूम रहा था और एग्जाम आने वाले थे। शीतल जिस तरह से सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी, इसलिए वह एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी और वह रात दिन मेहनत करती है। शीतल को इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर सावित्री बहुत खुश होती है और उससे कहती है, शीतल बेटा देखना स्कूल में तो तुम ही फर्स्ट आओगी, तुम्हारी यह कड़ी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी और तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। लेकिन बेटा पढ़ाई के साथ साथ खाना भी जरूरी है, पढ़ाई के आगे तुम तो खाने को भूल ही जाती हो, चलो किताबें रखो और खाना खाओ। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने इस अनाथ लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे न मिलती तो मुझे स्कूल जाने का कभी अवसर मिलता ही नहीं, और देखना मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। खबरदार, अगर दोबारा से खुद को अनाथ कहा तो एक तरफ माँ भी कहती हो, दूसरी तरफ खुद को अनाथ भी बताती हो, और मैंने कोई तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया, यह तो तुम्हारी मेहनत है जिसका तुम्हें परिणाम मिल रहा है। अच्छा चलो बहुत बात हो गई, खाना खा लो। सावित्री के कहने पर शीतल खाना खा लेती है और खाना खाकर दोबारा से पढ़ाई करने लगती है। जहां शीतल दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रचना शीतल को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे एक खतरनाक प्लान समझ में आ जाता है। अरे वाह रचना, तुम्हारा क्या कहना, इस तरह से तो वह अनाथ स्टूडेंट हमेशा हमेशा के लिए हमारे स्कूल से चली जाएगी और फिर मैं कभी सेकंड नहीं आऊंगी, हमेशा फर्स्ट आया करूंगी। शीतल अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि अब तेरा स्कूल से पत्ता कटने वाला है। इस तरह से रचना बहुत सारी चिट बना लेती है और बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद एग्जाम आ जाते हैं। सभी बच्चे हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों के ऊपर नजर रख रही थी। शीतल का सारा ध्यान अपने पेपर पर था। तभी रचना टीचर की नजर से छुपकर शीतल की डेस्क के नीचे वह सारी चिट फेंक देती है। कुछ समय बाद टीचर की नजर उन चिट पर जाती है और वह शीतल से कहती है, शीतल खड़े हो जाओ, यह क्या, तुम अपने साथ इतनी सारी चीटिंग लेकर आई हो, तभी तो मैं कहूँ कि इतने जल्दी जल्दी पेपर तुम कैसे कर रही हो। नहीं नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की, यह सब तो मुझे याद था तभी मैंने पेपर में लिखा है, मुझे नहीं पता यह चीटिंग मेरे डेस्क के नीचे कहाँ से आई, मेरा विश्वास कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैं कभी कोई चीटिंग नहीं करती। टीचर को शीतल की बात पर विश्वास नहीं होता, वह सावित्री को बुला लेती है। प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल सावित्री से कहते हैं, सावित्री मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन ये अनाथ तुम्हारे इस तरह से नाम रोशन करेगी चिटिंग करके, इसने तो पूरे स्कूल का नाम खराब कर दिया, ले जाओ इस अनाथ को अपने साथ, ये पढ़ने के लायक ही नहीं है। रचना यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी, वह जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया। सावित्री शीतल को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और जब प्रिंसिपल घर आ जाते हैं तो सावित्री प्रिंसिपल से कहती है, साहब जी मुझे पता है कि मेरी बेटी शीतल ने कोई चीटिंग नहीं की, वो तो रचना शीतल से जलती थी इसलिए उसने उसे फंसाने के लिए ये सब किया, मैं चाहती तो रचना की सच्चाई पूरे स्कूल के सामने लेकर आ सकती थी, लेकिन मैंने आपके यहाँ का नमक खाया है और मैं नहीं चाहती कि रचना की इस छोटी सी गलती की वजह से उसका भविष्य खराब हो जाए। रचना मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर शीतल को फंसाने के लिए यह सब किया है, सावित्री ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम शीतल से जलती हो, लेकिन तुम जलन में इतनी आगे निकल जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटा विद्या तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई किसी से नहीं छीन सकता, तुम्हें तो शीतल का साथ देना चाहिए कि एक अनाथ लड़की कैसे हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। चलो जल्दी से शीतल से माफ़ी मांगो और इनका बड़प्पन तो देखो, इन्हें सच्चाई पता होते हुए भी इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पिता की इंसल्ट ना हो इसलिए।
रचना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह शीतल से माफी मांगती है। शीतल का दिल बहुत बड़ा था, वह रचना को माफ कर देती है। अब रचना और शीतल दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और दोनों एक साथ पढ़ाई करती हैं और स्कूल का नाम रोशन करती हैं। इस तरह एक अनाथ लड़की अपनी मेहनत और लगन से एक दिन अफसर बन जाती है और अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। यह कहानी पूजा की है। पूजा बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है। उससे कभी दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करती है। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, हमेशा फेस पर स्माइल रखकर बात करना, किसी के लिए दिल में कोई छल कपट नहीं। पूजा इस तरह की लड़की थी, लेकिन फिर भी कोई स्कूल में उससे बात करना, उससे दोस्ती करना, उसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता था। उससे दूर दूर भागते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काली थी। कोई उसका अच्छा स्वभाव नहीं देखता था, हमेशा उसे अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। काली कलूटी, अमावस की रात तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेस्क पर बैठने की? तेरी जगह यहाँ पर नहीं, सबसे पीछे वाली सीट पर है, फिर तो आज यहाँ पर क्यों बैठी है काली कलूटी? अरे यार पुष्पा, वहाँ पर कॉकरोच है और मुझे कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ जगह खाली देखी तो इसलिए सोचा आज यहाँ बैठ जाती हूँ बस। देखो देखो दोस्तों, यह काली कलूटी बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की कॉकरोच से डरती है। अरे काली कलूटी, तुझे किसी से डरने की क्या जरूरत, एक बार बड़ी बड़ी अपनी सफेद आंखें करके इसे दिखा दे, क्योंकि तेरे इस काले चेहरे पर यह तेरी बड़ी बड़ी सफेद आंखें ही तो दिखती है। वह चुड़ैल समझकर डरकर भाग जाएगा। काली कलूटी। बेचारी पूजा अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास टीचर क्लासरूम में आती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गोमते नेहा सावित्री, पुष्पा सुनैना राहुल सुमित, चलो बच्चों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। उसके समारोह में जो कार्यक्रम होगा, मुझे आप सबको उसके लिए प्रैक्टिस भी करानी है। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। ऐसा कहकर 15 अगस्त में होने वाले समारोह में टीचर सभी बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन वह पूजा को अपने साथ नहीं लेकर जाती, क्योंकि स्कूल में जब भी कोई भी समारोह या प्रतियोगिता होती तो उसके रंग रूप की वजह से टीचर उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। और आज भी वह सभी बच्चों को ले जाती है, लेकिन पूरी क्लास में पूजा अकेली बैठी थी और वह सब बच्चों को जाता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अकेली पूरी क्लास में बैठी थी, वह भी समारोह में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तभी वह हिम्मत करती है और अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उनसे हिचकिचाते हुए कहती है, वो टीचर, मुझे आपसे कहना था, मतलब मैं आपसे कहना चाह रही थी। टीचर, पूजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रही हूँ। गोमती बेटा, यह स्टेप ऐसे नहीं वैसे करो। और सुमित बेटा, यह स्पीच थोड़ा धीरे धीरे और प्यार से पढ़ो। पूजा चलो जल्दी बोलो तुम्हें क्या कहना है, और इस तरह से हकलाओ मत, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। टीचर मैं भी इस 15 अगस्त में होने वाले कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैंने एक स्पीच लिखी है, एक बार आप इसे देख लीजिए। मैं इस स्पीच को स्टेज पर सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ और डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्योंकि डांस करने में मेरी बहुत रुचि है। देखो पूजा, तुम काली हो, सुंदर नहीं दिखती, और स्टेज पर सिर्फ सुंदर और गोरे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे इस रंग रूप की वजह से हमारे पूरे स्कूल की इंसल्ट हो, इसलिए सभी सुंदर सुंदर बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने उन्हें ही चुना है। तुम जैसी काली कलूटी लड़की की कोई जरूरत नहीं है, डांस की लड़कियां भी पूरी हो चुकी हैं और स्पीच के बच्चे भी, इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस सबके लिए तालियां बजाना और कुछ नहीं। बेचारी रोते हुए अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। छुट्टी हो जाने के बाद वह घर आती है। पूजा घर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। पूजा को यूं उदास देखकर दादी कहती हैं,
अरे बेटा, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? जो तुमने 15 अगस्त के लिए स्पीच तैयार की थी, क्या वह टीचर को पसंद नहीं आई? वो तो कितनी अच्छी थी। अरे बेटा बताओ तो क्या हुआ है? दादी, होना क्या था, वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है, मेरे साथ भेदभाव सुंदरता और बदसूरती में। आपको नहीं पता मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता, टीचर भी पसंद नहीं करते। दादी मैं क्यों हूँ काली? अगर मैं सुंदर होती तो मेरे दोस्त होते, टीचर मुझसे प्यार से बात करती, स्कूल में होने वाले सेलिब्रेशन कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट किया करती, लेकिन नहीं, अपने इस काली कलूटी शक्ल की वजह से पीछे रह जाती हूँ, कभी आगे नहीं बढ़ती। अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सुंदरता ही सब कुछ है। अगर तुम सुंदर हो तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और अगर तुम बदसूरत हो तो कोई तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, बात करनी तो बहुत दूर की बात है। अरे बेटा ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। और यह रंग रूप कुछ नहीं होता, बस इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अगर दिल सुंदर तो वो इंसान भी सुंदर, अगर उसका दिल ही सुंदर नहीं तो चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह सुंदर हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैंने खाना बना दिया, खा लो बेटा। पूजा को अपनी दादी की बातें सुनकर थोड़ा साहस मिलता है और वह आंसू साफ कर खाना खा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वह दिन आ ही जाता है जिस दिन स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा था। पूरे स्कूल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया, सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। आज वह सब दिन से ज्यादा अच्छे लग रहे थे, साफ सुथरी ड्रेस, नहाए धोए। कुछ समय बाद समारोह शुरू किया गया, देशभक्ति गीत गाए गए, बच्चों ने अच्छी अच्छी स्पीच दी और बेचारी पूजा उन सब बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। कुछ समय बाद चीफ गेस्ट भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट ने झंडे को लहराया, उसके बाद प्रिंसिपल एक स्पीच देती हैं। आप सभी को 15 अगस्त आजादी की बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इस दिन को जितना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाए, जितनी ज्यादा खुशी मनाई जाए उतनी कम है। प्रिंसिपल मैम एक बहुत बड़ी स्पीच देती हैं, जिसे सुनकर सभी बच्चे पेरेंट्स तालियां बजाते हैं। उसके बाद एक एक करके बच्चे डांस करते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, नाटक करते हैं। कुछ समय बाद टीचर सभी बच्चों को एक लाइन में लगा देती हैं, क्योंकि हमेशा स्कूल में सेलिब्रेशन करने के बाद एक परेड निकाली जाती थी। तभी संजना मैम गोमती के हाथ में झंडा देकर उससे कहती हैं, गोमती तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए झंडा तुम्हारे हाथ में है, तुम सबसे आगे चलोगी और सब बच्चे तुम्हारे पीछे पीछे, ठीक है? और पूजा तुम गोमती के पीछे क्यों खड़ी हो? चलो जाओ, सबसे पीछे जाकर खड़ी हो। तुम इतनी ज्यादा सुंदर लड़की के पीछे खड़ी हो, गोमती की सारी सुंदरता पर ग्रहण लग जाएगी तुम्हारी इस बदसूरती से। जाओ पीछे जाओ। काली कलूटी कहीं भी आकर खड़ी हो जाती है। संजना मैम की बातें सुनकर पूजा को बहुत दुख होता है और वह आंखों में आंसू लेकर पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। पूजा की इस तरह से इंसल्ट होते देख सब बच्चे बहुत हंसते हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। गोमती के हाथ में झंडा था और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे देशभक्ति गीत गाते हुए चले रहे थे। तभी रास्ते में एक पत्थर आता है जिससे टकराकर गोमती गिरने ही वाली थी। सभी बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन पूजा की नज़र जैसे ही गोमती के ऊपर जाती है और उसके हाथों में तिरंगा था, वह गिरने ही वाला था, लेकिन पूजा बहुत तेज भागती है और वह तिरंगे और गोमती को गिरने से बचा लेती है। पूजा की इस हिम्मत और साहस को देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसकी प्रशंसा करती हैं। पूजा बेटा, तुमने तिरंगे को गिरने से बचाया और गोमती को भी, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत और बहुत साहस है, तुमने झंडे को नहीं गिरने दिया और गोमती को भी बचा लिया, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिंसिपल मैम, झंडा तो हमारी आन बान और शान है, इस पर मैं कैसे आँच आने देती, इसकी रक्षा तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी करूँगी। और जब अपने देश और अपने झंडे की बात आती है तो हिम्मत और साहस तो अपने आप ही आ जाता है। और वैसे भी प्रिंसिपल मैम, हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। तो बस मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकती हूँ, हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।
पूजा की यह बातें सुनकर प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट और सभी टीचर खुश हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। सभी बच्चे भी यह देखकर पूजा बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद सभी बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और अगले दिन से सभी बच्चे पूजा के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और टीचर भी कोई उसके रंग रूप की वजह से उसे चिढ़ाता नहीं और पूजा के अब बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। अब पूजा को अपने रंग रूप से कोई शिकायत नहीं थी। वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।